आप देख रहे हैं DAA न्यूज, हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। हजारा यूनिवर्सिटी मानसेहरा का कयाम 2001 में अमल में लाया गया। अक्टूबर 2005 के होलनाक सिलसिले के बाद नामसाइद हालात में अक्टूबर 2006 में शोबा कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज की बुनियाद रखी गई। इब्तदाई क्लासेस एक दरख्त के नीचे शुरू की गईं। बाद अजां ये सफर एक कमरे से होता हुआ एक मुकम्मल एकेडमिक ब्लॉक की शक्ल में जारी है। डिपार्टमेंट में 8 प्रोफेसर साहिबान की ज़ेरे निगरानी 180 के करीब तलबा व तालिबात शोबा कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में ज़राए इब्लाग के हवाले से महारत और सलाहियतों को निखारने में मसरूफ़ अमल हैं। शोबा कम्युनिकेशन में मीडिया स्टडीज में इस वक्त FM रेडियो सर्विस के साथ साथ एक महाना जरीदा कैंपस TV और ऑनलाइन सहाफत के हवाले से तदरीसी सरगर्मियां जारी हैं, जहां तलबा व तालिबात को असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक तकनीकी और तदरीसी महारत से रूशनास कराया जा रहा है। CCPC करियर काउंसलिंग पब्लिकेशन सेंटर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। जामिया हजारा के दीगर शोबाजात में हम निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जा रहा है। शोबा कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज से फारिग तहसील तलबा और तालिबात इस वक्त मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर शुजात अली खान की ज़ेरे निगरानी तरक्की का ये सफर जारी है। आइए इस हवाले से शोबा हाजा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शुजात, मुअज्जिज़ प्रोफेसर साहिबान और जारी सरगर्मियों के हवाले से तलबा और तालिबात की राय जानते हैं। हमने ये डिपार्टमेंट जो है वो अक्टूबर 2006 में एक दरख्त के नीचे से शुरू किया था, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक 2005 के जो अर्थक्वेक इस एरिया में आता है जलजला, उसके बाद तो सारी एरिया के साथ यूनिवर्सिटी की भी सारी बिल्डिंग डैमेज हो गई थी, तो कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। तो हमने इस डिपार्टमेंट की आगाज़ जो किया, शुरुआत किया, वो एक दरख्त के नीचे से किया। तकरीबन 3 महीने हमने एक दरख्त के नीचे क्लासें ली, वहाँ पर अभी भी वो मौजूद है। उसके बाद एक छोटा सा कमरा मिला और फिर कमरे में हमने पूरा एक सेमेस्टर शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एफर्ट्स करते रहे, मेरी कोलीग्स, मेरी टीम, मेरे स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती रही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस फुल फ्लेज बिल्डिंग में हम इंडिपेंडेंटली डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ 5 फैसिलिटीज़ मौजूद है प्रैक्टिकल साइड पे स्टूडेंट के लिए। थ्योरी तो जारी बात है, उनको कोर्स में पढ़ाते पढ़ाती है, लेकिन उनको मज़ीद प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमारे यहाँ पहले फेज़ में हमने कैंपस रेडियो स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया 2009 में, विच इज़ 98.6, और हम पहले 2 घंटे और अब 4 घंटे की रेगुलर ट्रांसमिशन करते हैं। स्टूडेंट ही करते हैं, हम जस्ट उनको सुपरवाइज करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद हमने कैंपस न्यूज़पेपर अखबार शुरू किया। 2 स्टूडेंट जिनका शौक है, जिनका पैशन है फॉर प्रिंट मीडिया, तो वो अखबार में काम करते हैं, विच इज़ पब्लिश रेगुलरली ऑन मंथली बेसिस। अखबार में उनके आर्टिकल छपते हैं, न्यूज़ छपते हैं, पूरा जो उसके अखबार की हायरार्की है, राइट फ्रॉम चीफ एडिटर टेन एक फोटोग्राफर और स्टूडेंट, पेज मेकअप सब स्टूडेंट ही करते हैं। उनका ही एक एक्सपोजर है, उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है। फिर थर्ड स्टेज पे हमने उनके लिए कैंपस TV स्टूडियो इस्टेब्लिश किया, विच इज़ नॉट ऑनलाइन। उनके कंटेंट्स हम यूट्यूब पे और जो सोशल मीडिया उनके ऊपर चला रहे हैं, लेकिन उनको एक फैसिलिटीज़ दी हुई है, उनको एक एक्सपोजर दिया हुआ है कि हाउ टू बी पार्ट ऑफ TV जर्नलिज्म, कैसे न्यूज़ कास्टिंग होती है, कैसे कैमरा वर्क होता है, कैसे लाइट वर्क होता है, कैसे प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन की टीम काम करती है। हमारा जो सफ़र है वो रुकने वाला नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग हर इदारे का होना चाहिए। हम भी इसी तरह कर रहे हैं, हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम जो हमारा कैंपस TV है इसको किस तरीके से मज़ीद इस्टेब्लिश करें, मज़ीद इसमें इक्विपमेंट्स लेके आ जाए, बच्चों को फैसिलिटेट करें। कोई वो अगर लाइव हो सकता है या यूट्यूब लाइव हो सकता है उसकी तरफ हम जाए, जो भी बच्चों को मज़ीद फैसिलिटीज़ चाहिए उनको दे दें। हमारा लिंक जिसका जो प्रोग्राम है इंडस्ट्री के साथ, विच इज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अखबार, TV, रेडियो, उनके साथ हम मज़ीद इनको स्ट्रेंथन करें ताकि हमारे बच्चों को इंटर्नशिप के और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। एक्सपर्ट्स को बुलाए, चूँकि फैसिलिटीज़ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं है, कम है, रेस्ट्रेन है, तो उनकी भी हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से फिलैंथ्रोपिस्ट को या डोनर्स को हम अप्रोच करें कि वो इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करें ताकि बच्चों को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट आ जाए, उनको यहाँ पर बताए कि भाई आपका रोल क्या होना चाहिए, जर्नलिज्म का क्या स्टेटस है और क्या उनका रोल, रिस्पॉन्सिबल रोल किसी भी सोसाइटी और मुल्क की तरक्की में होना चाहिए।
हज़ारी यूनिवर्सिटी मानसेहरा से हूँ, मीडिया डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, सेमिस्टर 8 है। यहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो पहले यहाँ पे मौजूद नहीं थी। FM को भी हमने रन किया है, FM में हमने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, टॉक शोज़ हुए हैं, हमने यहाँ पे एंटरटेनमेंट शोज़ किए हैं, काफ़ी सारे शोज़ किए हैं। और यहाँ जिस तरह हज़ारा यूनिवर्सिटी मीडिया डिपार्टमेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला, ख़ासतौर पर जो हमारा कैंपस TV की टीम है, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि कैमरा की जो जिस तरह मैनुअल सिस्टम है सारा वीडियो एडिटिंग का, कि कैमरा उसकी फ्रेमिंग कैसी है, वीडियो की फ्रेमिंग कैसी है, सारा ये सारा कुछ हमें सिखाया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। इसके बाद अगर जिस तरह देखते हैं कि कैंपस TV में जो प्री प्रोडक्शन का काम है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, इसका बहुत कुछ सिखाया। TV टीम को डील करता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के जितनी भी PRs हैं हम उसको डील करते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं या जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, हमारी टीम और मैं जाके उसको कवर करते हैं, फिर हम उसको एडिट करके फिर हमारा एक पेज है कैंपस TV के नाम से और हज़ारा यूनिवर्सिटी के नाम से, उसको हम वहाँ पे पब्लिश करते हैं और एज़ अ PR हम हमारा जो डिपार्टमेंट है या हमारी जो टीम है वो डील करती है इस चीज़ को। इसके अलावा मैं यहाँ पर स्टूडियो भी सुपरवाइज़ करता हूँ, हमारे पास एक फुल फ्लैश स्टूडियो है डिपार्टमेंट में जहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, प्रॉपर कैमरा ट्रेनिंग की जाती है, उसके अलावा एडिटिंग सिखाई जाती है या जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफ़िल की जाती हैं यहाँ पे। हमें जो है यहाँ पे सर हमारे जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हमें हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, न्यूज़ बुलेटिन से लेकर कैसे हमने सारा कुछ प्रोग्राम वगैरह करना है, कैसे हमने इस कैमरा कैसे यूज़ करना है, हमें कैमरे की एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, लेंस फोकस हर चीज़ के बारे में, और जहाँ से नहीं समझ आती है हमें सर एक एक चीज़ समझाया जाता है बार बार, और सर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हमें बहुत काम करवाया जाता है। मेरा लास्ट सेमेस्टर है, हमारा लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट ही क्लास थी हमारी आज, और यह है कि हमें काफ़ी ज़्यादा काम करवाया गया, डॉक्यूमेंट्रीज हमने बनाई, हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट भी की है, हमें काफ़ी काम करवाया जाता है, हमें TV स्टूडियो है और हम लोग न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं, रेडियो स्टूडियो में हम काम करते हैं। दलता जमुंग सर रेडियो की जमुंग दलता प्रोग्राम्स की ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन ईयर प्रोग्राम जी कमी दलता जमुंग हर मंगल पौरस बानी बारना एक पौरी जमुंग शोई पागेबानी जमुंग पर डिफरेंट चिकम जमुंग टॉपिकों ने दी मुख्तलिफ पागेबानी मुंग दलता डिस्कशंस को। मैं कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी हज़ारा यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर BA स्टडी कर रहा हूँ और मैं इस हज़ारा यूनिवर्सिटी के रेडियो के अंदर प्रोग्राम करदा 98.6 अंदर माड़ा प्रोग्राम आते मंडे वाले दिन और 11 बजे तो 12 बजे तक। राइट नाउ वी आर इन आवर स्टेशन स्टूडियो FM 98.6 एंड माय शो गोज ऑन एयर फ्रॉम ऑन ट्यूसडे फ्रॉम 10 to 11 PM एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर डिपार्टमेंट और इन आवर स्टूडेंट इज़ टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड टू अवेयर स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट सोशल टॉपिक्स। तालीम सिर्फ एक डिग्री का नाम नहीं है, हमारे शख्सियत, हमारे इखलाक और हमारी ज़ुबान से हमारी तालीम का तकाजा मैयर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर खान खलील है और कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट का BA 6 का स्टूडेंट हूँ। ये हमारा दी कैंपस ऑब्जर्वर न्यूज़ रूम है, चूँकि ये एक हमारा जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लैब्स होते हैं, कंप्यूटर लैब होते हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री लैब होते हैं, तो इसी तरह हमारे मीडिया डिपार्टमेंट में अखबार का एक अपना लैब है जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी प्रोसेस से हम इनको गुजारते हैं, चूँकि मैं यहाँ पर एज़ अ स्टूडेंट एडिटर मेरा रोल है और यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ आती हैं, इसके अलावा आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, स्टूडेंट्स मटेरियल आते हैं, तो वो मैं ख़ुद उसकी क्वालिटी को मैं चेक करता हूँ, बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह जितनी भी हैं मेरे पास साथ एक पूरा पूरे डिपार्टमेंट से मेरा टीम है
और मुख्तलिफ किस्म के हमने उनको बीट्स दिए होते हैं, वो जाके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके अलावा जब लाइव कोई प्रोग्राम होता है तो उसको अटेंड करके उसके कुछ मिनट्स लिखते हैं, जो स्टोरीज होती हैं, फिर वही स्टोरी वो अपने जो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उसी के मुताबिक अपनी एक स्टोरी बना लेते हैं, और वो फिर हमारे जो एडिटिंग सेक्शन है, सब एडिटर हमारा हमज़ा एहसान, तो उनको दे देता है, फिर उसमें वो नुक्ता लग करके उसकी सेटिंग करके फिर वो एडिटर को भेजते हैं। मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में। इसके अलावा मैं जो इजाफी जिम्मेदारी मुझे दी हैं वो एज़ अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं कैंपस ऑब्ज़र्वर का मैं एज़ अ एडिटर इन चीफ़ हूँ। मैं अगर कैंपस ऑब्ज़र्वर के हवाले से बता दूँ, चूँकि अखबार बेसिक होता है हमारे जो स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए है, तो अखबार एक बुनियादी हैसियत रखता है। तो सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे अखबार में ख़बर बनाने का तरीक़ा, ख़बर की कांट छांट, और उसके बाद जब जो ही वो अगले सेमेस्टर में जाते हैं तो उनको हम पेज सब एडिटिंग एंड पेज डिज़ाइनिंग पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ लेब में यहाँ पर वो आ जाते हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, हमारा डिपार्टमेंट अक्टूबर 2006 में इस्टेब्लिश हुआ, और उस वक्त डॉक्टर शुजात अली ख़ान एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और वहाँ पर अपॉइंट हुए, और उन्होंने डिपार्टमेंट शुरू किया एक दरख्त के नीचे से। और मेरे लिए ये आनर की बात है कि मैं सेकंड बंदा हूँ जो इस डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुआ बैक इन 2006। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे डिपार्टमेंट भी ग्रोथ करता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त करंटली हमारे पास कैंपस ऑब्ज़र्वर न्यूज़पेपर है, उसके अलावा कैंपस रेडियो FM 98.6 फुल फ्लैड रेडियो स्टेशन है, और उसके अलावा कैंपस टीवी का स्टूडियो भी है जो हम यूटिलाइज़ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ तक बात है हमारी टीचिंग की और हमारी ये जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं इनके काम की, तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कैंपस रेडियो FM 98.6 के बारे में। और आपको पता है कि कैंपस रेडियो FM 98.6 हर सेमेस्टर के स्टार्ट से पहले एक अनाउंसमेंट करता है, जिसके अंदर पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं अपने आप को एज ए आरजे परफॉर्म कराने के लिए, या उनकी वॉइस अच्छी होती है, तो हम एक अनाउंसमेंट करते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी और हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं वो आके हमें एडिशन देते हैं, हम उनके एडिशन लेते हैं, उसके बाद हम उनको सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन के बाद उसका एक पूरा प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का। तकरीबन पहले स्टार्ट में ये 10 दिन की होती थी, बाद में हमने जब देखा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो फिर हमने इसको 5 दिन के बेस पे रखा।